नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। आइए देखते हैं अयोध्या की खबर। जिले के थाना हैदरगंज क्षेत्र में हुई दो युवकों की हत्या का खुलासा अयोध्या पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया है। ये खुलासा पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने किया है। इस मामले को लेकर एसएसपी ने कहा कि दोनों युवकों की हत्या गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गोसाईगंज कस्बे में आशनाई में हुई थी। मृतक रवि मोदनवाल का हत्या आरोपी के परिवार की युवती से अवैध संबंध था, जिसको लेकर रवि मोदनवाल अपने दोस्त मनोज मोदनवाल के साथ अपनी प्रेमिका से मिलने गोसाईगंज आया था। परिवार की युवती से मिलना परिवार वालों को नागवारा गुजरा और योजनाबद्ध के तहत घर में ही दोनों युवकों की डंडे से मारकर हत्या कर दी गई और शव को फेंकने के लिए अयोध्या धाम के थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र के निवासी दो युवकों को बुलाया गया और पिकअप से दोनों युवकों का शव थाना हैदरगंज क्षेत्र के हैदरगंज कस्बे के बाहर ब्रह्मा बाबा तिराहे के पास गड्ढे में फेंक दिया गया। दर्शक, पुलिस ने सर्विलांस के सहारे मामले का खुलासा कर दिया है। थाना हैदरगंज पुलिस व क्राइम ब्रांच की स्वाइट टीम ने पिता पुत्र समेत पांच लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या में शामिल पांच लोग अभी भी फरार है। हत्या आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त डंडा, शव को फेंकने में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी व मृतक का बैग बरामद कर लिया है। दोनों मृतक युवक प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले थे और व्यवसाय के संबंध में उनका गोसाईगंज आना जाना था, जिसके बाद मोदनवाल परिवार से ही उनका एक युवती से अवैध संबंध हो गया था, जो मौत का कारण बन गया। हैदरगंज क्षेत्र में कस्बे के पहले ब्रह्मवार स्थान के पास तिराहे पर दो युवकों की डेड बॉडीज अर्ली मॉर्निंग मिली थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल एसपीआरए, सीओ बीकापुर, सीओ मिल्कीपुर, थाना हैदरगंज की पुलिस, तारून और बीकापुर की पुलिस मौके पर। इन लोगों ने तत्काल छानबीन शुरू की, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। हमारा पहला प्रयास था कि जल्द से जल्द पहले इनका शिनाख्त हो जाए। लगभग 10 बजे के आसपास शिनाख्त हुई और ये पता चला कि दोनों युवक जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उसके बाद उनके परिजनों से संपर्क किया गया, उनसे कुछ क्लू मिला तथा अन्य सोर्सेस से और टेक्निकल हमारे एड से इस घटना का खुलासा हुआ और ये पता चला कि मृतक रवि जो है अपने साथी मनोज के साथ मोटरसाइकिल से गोसाईगंज तक आए थे और उसके बाद वापस घर में नहीं पहुँचे। जब घटना का खुलासा हुआ तो ये पता चला कि थाना गोसाईगंज क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की लड़की के साथ इनकी नज़दीकियाँ थी, इनके संबंध थे, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डेवलप हुए थे और उसी के क्रम में ये जो रवि मोदनवाल मृतक हैं वो अपने साथी मनोज के साथ गोसाईगंज आए और वहीं पे उनके जो परिजन हैं, जिसमें जो युवती हैं, उनके पिता सत्यप्रकाश, इनके साथी शेरू रमेश, इनके दो अन्य रिलेटिव और इनके साथ मजदूरों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें पांच अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें सत्यप्रकाश मोदनवाल, संदीप मोदनवाल, शेरू सिंह और जो टेंट हाउस चलाते हैं उनके दो मजदूर जिन्होंने इस घटना में इनका साथ दिया, वो छोटू और दिलीप, ये पांच लोग गिरफ्तार हैं। शेष इसमें पांच अन्य लोग भी हैं, जिसमें संदीप का एक साथी रमेश वर्मा और दो इनके रिश्तेदार और दो अन्य मजदूर अभी इसमें शेष हैं। जल्दी पुलिस टीम इन्हें भी गिरफ्तार करेगी। घटना में प्रयुक्त डंडा एक बरामद किया गया है, साथ ही साथ जो मृतक हैं उनका बैग बरामद किया गया है, जिस पिकअप गाड़ी से मारने के बाद इन्होंने शवों को ठिकाने लगाया था वो पिकअप बरामद किया गया है।